अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वो जो हमारी डिस्कशन जारी है चैप्टर नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर 5 के दो टाइप फैक्टराइजेशन की पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लिए। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट टाइप की जानी मूव करते हैं। पहले उस टाइप के बारे में आपको बताऊँगा, फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, जो टाइप नंबर 3 है वो बेसिकली इन दो फार्मूला से रिलेटेड है। ये फार्मूले आपने प्रीवियस क्लासेस 8, 7, 6 में भी पढ़े हों। मैं अगेन आपको पहले ये फार्मूले समझाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा। तो पहले बच्चों, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आपने एक्सपेंड कैसे करना है, यानी कि ओपन किस तरह होता है, इसका तरीक़ेकार बच्चों ये होता है कि ये वाली जो पावर है इसको नीचे वाली, अगर इस तरह लिखा हो ना, एक एक्सप्रेशन नीचे लिखा हो एक ऊपर, तो नीचे वाले को कहते हैं बेस और ऊपर वाले को कहते हैं पावर। अब इस एक्सप्रेशन में बच्चों ए प्लस बी जो है वो है बेस और 2 है वो है पावर, यानी पावर फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन लिखा है। यानी टर्म्स 2 हैं, इसमें आपने इसको ओपन किस तरह करना है। ये जो पावर 2 है बेसिकली ए प्लस बी, ए और बी पहले दोनों जमा हो रहे हैं, फिर उनकी सारे की पावर है 2। अब आपने जब इसको एक्सपेंड करना है तो पहला काम ये करना है, आपने अकेले अकेले की अलग-अलग से पावर लिख देनी है, यानी ए की पावर 2 अलग लिख देंगे और बी की पावर 2 अलग। तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये वाली जो 2 पावर थी वो ए की हो गई अलग और बी की हो गई अलग। जब बच्चों आपने अकेले अकेले की पावर लिख ली, फिर आपने लेना उनका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आप जानते हैं कि कम से कम 2 चीज़ों का होता है। जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो बन जाएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा तो वो बनेगा ए बी, और प्रोडक्ट हमेशा आता है 2 चीज़ों का, यानी ज़्यादा का ले सकते हैं लेकिन एटलीस्ट प्रोडक्ट के लिए 2 चीज़ें चाहिए। इसलिए जब हम इनका लेंगे प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट 2 चीज़ों का है, इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो बनेंगी 2ab, ab बेसिकली दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि 2 टर्म का प्रोडक्ट है, इसलिए याद रखने के लिए 2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तो आपने इस फार्मूले को याद करना है तो इसी तरह याद करेंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जब किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है तो वो जो वेरी सिंपल, ये वाली पावर पहले इसकी लिखनी है, यानी ए का स्क्वायर जैसे बना हुआ है, फिर इसकी लिख देनी है तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर, फिर आपने उनका लेना है प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट लेने हैं तो पावर के साथ फर्दर प्रोडक्ट, ये बात आप याद रख लीजिए कि जब प्रोडक्ट लेने हैं तो प्रोडक्ट के साथ पावर को फर्दर मल्टीप्लाई करना है। या दूसरी तरह याद रख लें कि जब प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट आता है एटलीस्ट 2 चीज़ों का, इसलिए उसको 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों इसी तरह a माइनस बी है, तो जब जिस तरह ये वाला स्क्वायर ओपन किया है उसी तरह ये होगा, यानी ये वाला स्क्वायर पहले a का अलग आएगा और b का अलग, तो ये आपके पास बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। पहले अकेले अकेले का ले लिया स्क्वायर, अब लेंगे दोनों का प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट लेना है तो वो बनेगा ab, और जब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 2 चीज़ों का, इसलिए 2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई तो आएगा 2ab। अब जो यहाँ पे चूंकि प्लस था तो हमने इधर भी लिख लिया प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस। अब स्टूडेंट्स को अक्सर याद नहीं रहता कि भाई कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ पे माइनस, या बाज स्टूडेंट इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि यहाँ पर माइनस लगा दिया तो यहाँ पे प्लस क्यों है। तो बच्चों स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देते हैं, चूँकि नेगेटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, तो इसलिए जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको हम 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी पॉजिटिव। यानी जब भी कोई हम स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे वो तो आएगी पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर ए और बी, बी की पावर चूँकि स्क्वायर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। बहरहाल आपने इसमें याद ये रखना है के जो प्रोडक्ट है 2ab, अगर जमा वाला फार्मूला है तो वो जमा का होगा, माइनस वाला फार्मूला है तो वो माइनस में होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी रहेंगे पॉजिटिव। तो ये बच्चों
ये तरीक़ेकार है इस फार्मूले को ओपन करने का। या तो आपने इसी तरह कर लेना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, और अगर माइनस वाला फार्मूला है तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। लेकिन जब किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है तो इस तरह याद रखना है कि जमा से पहले वाले की पावर अलग, जमा से बाद वाले की पावर अलग, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट और टू के साथ फर्दर प्रोडक्ट। इसी तरह इधर माइनस से पहले वाले का स्क्वायर अलग, माइनस से बाद वाले का स्क्वायर अलग, और दोनों का लेंगे प्रोडक्ट और टू के साथ फर्दर प्रोडक्ट। तो इस तरह ये बच्चों फार्मूले ओपन हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक बच्चों मैंने आपको फार्मूले ओपन करना सिखाए। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे फार्मूले को क्लोज करना, बंद करना। यानी पहले हमने मूव किया है इस लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानिब, अब हम मूव करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की जानिब। वेरी इजी, बहुत सिंपल। किस तरह आपने मूव करना है बच्चों देखिएगा। यानी हमने अब इधर से इधर को मूव करना है। तो बेसिकली बच्चों ये आपके पास तीन टर्म्स हैं, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। यानी जो हमने पहली और दूसरी टाइम में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स आ जाएं या तीन टर्म्स आ जाएं, तो ये तीन टर्म की फर्दर एक्सपेंशन है कि हम उसको किस तरह और फैक्टराइज कर सकते हैं या फैक्टराइज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चों इसमें है कि अगर आपके पास तीन टर्म्स आ जाएं तो पहला काम तो वही है कि तीन टर्म में से अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लें। कॉमन आने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि उन तीन टर्म में से कोई सी दो टर्म स्क्वायर फॉर्म में हो। जैसा कि यहाँ पर ए भी स्क्वायर फॉर्म में है और बी भी स्क्वायर फॉर्म में है, उसको आपने एक ही स्टेप में क्लोज करना है। किस तरह करना है, यानी इससे ये वाला आपने स्टेप किस तरह बनाने हैं बच्चों, जो आपके पास स्क्वायर फॉर्म की टर्म होगी उनको बगैर स्क्वायर के लिख के होल का लिख देंगे स्क्वायर। यानी ये बच्चों किसी भी एक्सपेंशन को तीन तरह जो तीन टर्म पे मुश्तमिल होगी उसको क्लोज करने का वे बता रहा हूँ कि तीन टर्म में से आपके पास अगर कोई दो टर्म स्क्वायर फॉर्म में है उनको बगैर स्क्वायर के लिखना। ये देखें ना, यहाँ पर ए स्क्वायर था बी स्क्वायर, तो बगैर स्क्वायर के यहाँ पर आ जाएगा ए और बगैर स्क्वायर के यहाँ पर आ जाएगा बी। यानी बगैर स्क्वायर के लिख के होल का लिख देंगे स्क्वायर, और टू ए बी का साइन, यानी जो तीसरी रकम बन गई बच गई, यानी जो स्क्वायर के बगैर टर्म है उसका साइन यूज़ करेंगे। यानी स्क्वायर वाली टर्म को बगैर स्क्वायर के लिख के होल का लिख देंगे स्क्वायर, और जो टर्म बच गई उसका बीच में साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह इधर ये भी तीन टर्म है, तो ये दो वाली स्क्वायर फॉर्म में, इनको लिखेंगे बगैर स्क्वायर के और होल का लिख देंगे स्क्वायर, और जो रकम बच गई उसका साइन यूज़ करेंगे। यानी ये वाला साइन माइनस का है तो इधर कर लेंगे माइनस। ये बच्चों तीन जो थर्ड टाइप है वो इस से रिलेटेड है कि अगर आपके पास तीन टर्म आ जाती हैं, पहला तो काम वही है कि उनमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। कॉमन आने के बाद दूसरा काम ये करना है कि उन तीन टर्म में से आपने कोई सी दो टर्म देखनी है जो स्क्वायर फॉर्म में हो। स्क्वायर फॉर्म में होने के बाद नेक्स्ट उनको क्या करना है, बगैर स्क्वायर के लिख के होल का लिख देना है स्क्वायर, और जो तीसरी टर्म बचेगी उसका बीच में साइन यूज़ कर लेना है। तो इस तरह ये आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा बच्चों इसमें तीन टर्म दी हुई हैं। तो तीन टर्म का जो पहला काम वो यही है कि इन तीनों में से अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उसे हम कॉमन लें। तो यहाँ पर बच्चों कोई भी नंबर कॉमन है नहीं आ रहा तो कॉमन नहीं लेंगे। दूसरा काम ये करना होता है कि उन तीन रकमों में से अगर कोई सी दो रकमें स्क्वायर वाली आ जाएँ तो वो हमने लिखनी होती हैं। अब जो यहाँ पे गौर करें तो हम दो रकमें स्क्वायर वाली बना सकते हैं, जैसा कि 144 है और इधर 1 है। तो 144 को बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर, क्योंकि जब 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 144, और ये ए का स्क्वायर एज इट प्लस 24A प्लस 1 को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें चूँकि स्क्वायर की ज़रूरत है इसलिए हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। रीज़न इसकी ये है चूँकि बच्चों 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 ही आएगा, इसलिए 1 को 1 के स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पे
12 का स्केयर अलग है, ए का अलग स्केयर है, तो ये बेस और स्केयर की प्रॉपर्टी होती है। ये चैप्टर नंबर सेकंड में बेस और उसके पावर के लास्ट कानून है कि जब एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन की पावर सेम हो तो बजाय हम अलग अलग लिखने की उसको ए की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों 12a होल स्केयर प्लस 24a प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्केयर। यानी हमारे पास तीन टर्म थी गिवन, उन तीन टर्म में हमने दो टर्म स्केयर वाली बना ली। जैसा कि ये इधर था ना कि अगर तीन टर्म हो, तीन टर्म में दो टर्म स्केयर वाली आ जाएं तो क्लोज कैसे करना है, उनको बगैर स्केयर के लिख के होल का क्या लिख देंगे, स्केयर। यानी मैं यहाँ पर बच्चों एक लाइन और लिखनी है, यहाँ पर ये स्टेप करने जा रहा हूँ कि इनको बगैर स्केयर के लिखने हैं। तो 12a का होल स्केयर है, स्केयर पे हाथ रख लें तो यहाँ पर आ जाएगा 12a, इस स्केयर पे हाथ रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और होल का लिख देंगे हम स्केयर, इसका साइन यूज़ करेंगे। यानी जो स्केयर के अलावा टर्म होगी उसका साइन, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। अब जो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी कम्प्लीट, लेकिन आपने एक काम थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे जिस फार्मूले का यूज़ हो रहा है वो फार्मूला बता देना है। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर आपने उस फार्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इस तरह कि a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यानी हमने इस फार्मूले का यूज़ करके इस स्टेप से ये वाला स्टेप लिखा है। तो इस तरह बच्चों हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कम्प्लीट। सेकेंड पार्ट बच्चों है ए स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस 2 प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। यानी इसमें भी हमें तीन टर्म गिवन है, तो पहला काम ये करेंगे देखेंगे इसमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है या नहीं। तो इसमें बच्चों कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो दूसरा काम ये होता है कि उन तीन टर्म में से हमने देखना होती है कि कोई दो टर्म स्केयर फॉर्म में है या नहीं, या हम उनको स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो बच्चों इसमें भी देखिएगा, फर्स्ट टर्म पे अगर गौर करें तो ऊपर वाले का अलग स्केयर है, नीचे वाले का अलग, तो बजाय अलग अलग लिखने के हम इसको होल स्केयर में लिख सकते हैं। यानी ए ओवर बी लिख के होल का आ जाएगा स्केयर, माइनस 2 रहेगा एज इट प्लस ये बी ओवर ए, यानी बी का अलग से स्केयर, ए का अलग से स्केयर, इसको भी लिख देंगे बी ओवर ए, सारे का आ जाएगा होल स्केयर। बेसिकली बच्चों ये जो हमें तीन एक्सप्रेशन दिए होते हैं, तीन टर्म दी होती हैं जिसमें दो टर्म स्केयर वाली होती हैं, बेसिकली ये वही फार्मूला होता है कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। अब अगर गौर करें, मैं अगर इसी को उसकी फॉर्म में लिखूं तो पहले होगा ए का स्केयर, यानी ये तो रहेगा एज इट, ये फर्दर एक स्टेप और ऐड करवाने लगा हूँ आपको, प्लस बी ओवर ए का होल स्केयर। यानी ये वाली रकम ए के जिस तरह ये है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो फर्स्ट टर्म ए स्केयर की जगह पे काम कर रही है, सेकंड ये वाली स्केयर वाली टर्म बी स्केयर की जगह पर, ये जो 2 लिखा हुआ है बेसिकली ये 2ab है। 2ab किस तरह, अगर ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 2, ए की जगह पर, यानी जो ए बी का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का लेंगे प्रोडक्ट, यानी इसकी जगह पर आएगा ए ओवर बी और ये आएगा बी ओवर ए। तो बेसिकली ये बन जाएगा ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, यानी जैसे ये लिखा हुआ है ना, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, बेसिकली ये 2ab, यानी ए की जगह पे फर्स्ट टर्म, बी की जगह पे सेकंड टर्म। तो ये अगर इसको मजीद कैंसिल करके देखना चाहेंगे तो ये 2 ही बनेगा, जैसा कि ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा बी के साथ बी, तो यहाँ पर 2 ही बनेगा। तो मैंने सिंपल ये किया है कि जस्ट आपको दिखाया है कि ये 2ab की फॉर्म में हम इसको रीराइट कर सकते हैं। तो जस्ट इसको 2ab की फॉर्म में रीराइट किया है, तो अगला स्टेप क्या होगा कि उन तीन टर्म में से जो दो टर्म स्केयर वाली हैं उनको बगैर स्केयर के लिख लें। तो यहाँ पर बनेगा a ओवर b और यहाँ पर आ जाएगा b ओवर a, सारे का स्केयर। यानी तीन टर्म में से जो स्केयर वाली टर्म होंगी दो, उनको बगैर स्केयर के लिख के होल का लिख देंगे स्केयर, और बीच वाली जो रकम बच जाएगी उसका साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो इधर भी आ जाएगा माइनस। अब ये किस फार्मूला से बने तो वो फार्मूला भी साथ लिख दें। फार्मूला बच्चों बेसिकली ये वाला अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर फार्मूला भी लिख देते हैं कि a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। यानी इस स्टेप से ये वाला स्टेप हमने इस फार्मूले का यूज़ करके किया है। तो इस तरह बच्चों ये इसका
सेकंड पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो साथ ही मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट है बच्चों एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी इसका जो थर्ड पार्ट है वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14 जी इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 49 जी का स्क्वायर। तो ये भी बच्चों तीन ही टर्म है, इसमें ये फर्स्ट टर्म, ये कम्प्लीटली सेकेंड टर्म और ये आ गई थर्ड टर्म। इसमें भी देखें तो कोई चीज़ कामन नहीं आ रही, अगर कामन नहीं आ रही तो दूसरा काम ये होता है कि इसमें हमने स्क्वायर वाली टर्म को देखना है, दो स्क्वायर वाली टर्म मिलनी चाहिए। तो एक स्क्वायर वाली तो ये आ गई। अब इस पर अगर गौर करें बच्चों 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह करेंगे ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट माइनस 14 जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा जी का स्क्वायर। अब 7 का अलग से स्क्वायर है, जी का अलग से, तो बजाय अलग अलग लिखने के हम इसको यहाँ पर इधर मूव कर रहे हैं, एक ही स्टेप में एक ही स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये बच्चों बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14 जी इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस आ जाएगा 7 जी का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पर तीन टर्म में दो टर्म आ गई स्क्वायर वाली, तो बेसिकली ये आएगा ए का स्क्वायर, ये आएगा 2ab और ये आएगा बी का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कि ये 2ab बनता भी है कि नहीं। उसके लिए चेकिंग के लिए क्या करते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं माइनस 2 अपनी तरफ से लिख देते हैं और यहाँ पर इस तरह जगह छोड़ देंगे प्लस 7z का होल स्क्वायर, यानी इधर आएगा a की वैल्यू a और इधर आएगा b, a की वैल्यू a की जगह पे यूज़ हो रहा है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आ रहा है 7z, यानी b की जगह पर आ गया 7z। अगर बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 14, साथ में आ जाएगा z और साथ में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है कि ये था ए स्क्वायर, ये था 2ab, ये था बी का स्क्वायर। तो अगर बच्चों इस तरह गिवन हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या तरीकेकार है कि स्क्वायर वाली रकमों को बगैर स्क्वायर के लिख के होल का क्या लिख देंगे स्क्वायर, यानी इस तरह आएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में है तो बगैर स्क्वायर के लिखेंगे तो आएगा एक्स प्लस वाई, 7z स्क्वायर फॉर्म में है तो बगैर स्क्वायर के आएगा 7z होल का लिख देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन करेंगे इसका यूज़, ये माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब ये किस फार्मूले से हमने ये लिखा है उसके लिए ये वाला फार्मूला, तो यहाँ पर बच्चों ये वाला फार्मूला मेंशन कर दें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो साथ ही मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इसका बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट और टेक्निकल सा है क्वेश्चन, तो लेट्स सी देखते हैं इसको भी। फोर्थ पार्ट है 12x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, यानी हमें इसमें भी तीन ही टर्म गिवन है। तो बच्चों तीन टर्म का जो पहला काम ये है कि उनमें से अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। तो अब इस पर अगर गौर करें 12 पे 36 पे और 27 पे, तो 12 36 और 27 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से पहला काम ये करेंगे कि 3 को लेंगे कॉमन, तो जिसको कॉमन लेना होता है उसे लिख के आगे लगाएंगे ब्रैकेट, तो 3 का टेबल 12 तक ये बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस 3 का टेबल 36 तक, तो ये 3 1s are 3 और 3 2s are 6 साथ में x और 3 9s are 27। पहला काम हो गया कंप्लीट। दूसरा काम के तीन टर्म में से दो टर्म स्क्वायर वाली, तो बच्चों अगर गौर करें यहाँ पे तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसी तरह करेंगे ये 3 रहेगा एज इट, इधर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर साथ में एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का अलग स्क्वायर एक्स का अलग, तो बजाय अलग अलग लिखने के हम इसको होल के स्क्वायर में लिख देते हैं। यहाँ पे लगा लें बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगी 4x का
होल स्क्वायर माइनस 12x और प्लस आएगा 3 का स्क्वायर। अब जो ये इस टाइप का बन रहा है कि ये a की जगह पे काम कर रहा है, ये b की जगह पे, यानी ये है a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है माइनस 2ab। तो चेक कर लेते हैं क्या कि माइनस 2ab ये बनता भी है कि नहीं। चेकिंग के लिए क्या काम करेंगे, ये 3 एज इट, यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर भी एज इट, माइनस ये 2, चूँकि हमने 2ab बनाना है तो माइनस 2 लिख दिया, a की और b की जगह वैसे छोड़ रहा हूँ, प्लस ये आएगा 3 का स्क्वायर। तो a की जगह पे आ जाएगा 4x और b की जगह पे आ जाएगा 3। तो आप ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 2 8, सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 4 को हमने लिखना है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी आएगा 2। तो फिर इसी तरह इधर भी हम लिखेंगे 2, क्योंकि पहले भी 4 ही था, 4 को 4 का स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 2x, तो a की जगह पे आएगा 2x। अब मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 2 ज़ार होगा 4 और 4 3 ज़ार हो जाएगा 12, साथ में आ जाएगा x, यानी बेसिकली ये था a स्क्वायर, ये था माइनस 2ab और ये था b का स्क्वायर। अब इसको क्लोज करना है हमने, किस तरह करेंगे कि जो रकमें स्क्वायर वाली हैं उनको बगैर स्क्वायर के लिख के होल का लिख देंगे स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 3 तो रहेगा एज इट इनटू बचो 2x स्क्वायर में है, तो स्क्वायर को छुपा के देखें तो बन रहा है 2x, फिर बचो इस स्क्वायर को छुपा के देखें तो आ रहा है 3 और यहाँ पर आएगा होल का स्क्वायर। तो इसका साइन यूज़ करेंगे, ये है माइनस, तो इधर आ जाएगा माइनस। तो इस तरह बचो ये वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है ये आपने अब खुद ही लिख लेना है कि a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह मत जो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके चारों पार्ट हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चो टाइप नंबर 4 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपके पास दो टर्म होंगी और दोनों स्क्वायर फॉर्म की होंगी और उनके बीच में नेगेटिव का साइन होगा, उसको आपने किस तरह फैक्टराइज करना है, वेरी सिंपल। ये जो बच्चों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर है इस पर आपने इस तरह रख लेना हाथ और जो आपको नज़र आ रहा है वो लिख देना। तो यहाँ पे बच्चों नज़र आ रहा है a माइनस बी, अब a माइनस बी है यानी ये हमने a और b को माइनस में लिखा, एक दफ़ा माइनस तो एक दफ़ा लिख देंगे आप प्लस में, तो इस तरह ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, यानी दो रकमें हों और दोनों स्क्वायर फॉर्म में हों, उनके बीच नेगेटिव का साइन हो, तो दो दो पे आपने इस तरह रख लेना हाथ, एक दफ़ा लिख देना एज इट और एक दफ़ा लिख देना आपने उसको प्लस में, यानी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो इसी तरह मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बचो ये हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब जो पहला काम यही करना है कि दो रकमें हैं तो इनमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। अगर हम 3 पे और 75 पे गौर करें तो ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ से पहले हम 3 को लेंगे कॉमन। अब 3 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर माइनस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 3 का टेबल 75 तक, तो पहले 6 तक पढ़ लें, तो 3 2 ज़ार होगा बच्चों 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को 5 के साथ कंबाइन करेंगे तो 15, तो 3 5 ज़ार होता है बच्चों 15 और ये 7 आ जाएगा वाई का स्क्वायर। अब ये बच्चों दो रकमें बन गई, बीच में माइनस है, पहली रकम स्क्वायर में है, क्या हम इस दूसरी रकम को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं, तो बच्चों 25 है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा y का स्क्वायर। अब 5 का अलग से स्क्वायर है, y का अलग, तो बजाय अलग अलग लिखने के हम इसको एक स्क्वायर में लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर 5y का स्क्वायर। तो ये बच्चों इस टाइप से रिलेट हो गया कि बीच में माइनस, माइनस से पहले वाली भी स्क्वायर फॉर्म है, माइनस से बाद वाली भी स्क्वायर फॉर्म है, तो क्या इसका तरीका है कि इन दो दो पे रख लेंगे हाथ, एक दफ़ा इसको लिखेंगे एज इट, यानी यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ रहा नज़र एक्स माइनस 5y, अब एक दफ़ा माइनस में तो एक दफ़ा इसको लिख देंगे प्लस में,
तो इस तरह ये हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, ये बेसिकली एक फार्मूला ही है, तो यहाँ पर आप साथ फार्मूला भी मेंशन कर दें कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। अब जो साथ ही हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, सेकंड पार्ट इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट एक्स इंटू एक्स माइनस वन, सेकंड पार्ट है एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। अब जो पहले हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x का स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस एक्स, फिर माइनस y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बच्चों ये मल्टीप्लाई बेशक ना करें क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में माइनस को कॉमन लेना है, वैसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जैसे इसको लिख रहा हूँ माइनस इंटू में माइनस वन इसी तरह लिख रहा हूँ, यानी ये माइनस इसके साथ बेसिकली मल्टीप्लाई ही हो रही है, यानी माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, लिखा क्यों नहीं है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में बचो समझ आ जाएगा। यानी क्या काम किया, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स का स्क्वायर, एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स, माइनस वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, माइनस ये एज इट लिख ली, आगे मल्टीप्लाई करना था माइनस वन के साथ, उसको उसकी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिया है। अब जो यहाँ पर ये वाली भी स्केयर फॉर्म में रकम, ये भी स्केयर, तो जो स्केयर फॉर्म में है उनको एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा बच्चों एक्स का स्केयर माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस वन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ये एक रकम है फर्स्ट टर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसकी सेकेंड टर्म है, यानी ये पहली टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो अब जो यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि इन दोनों पे रख लेंगे हाथ, तो एक दफ़ा जैसे नज़र आ रहा है वैसे लिख लें, तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे नज़र आ रहा है x माइनस वाई, अब x माइनस वाई है तो इंटू में लिख देंगे x प्लस वाई, यानी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस। अब जो इन दो रकमों पे अगर गौर करें तो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस को हम ले सकते हैं कॉमन, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे आगे लगा देंगे ब्रैकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ये मैंने आपको बताया कि जब माइनस को यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा कॉमन और यहाँ पर बच जाएगा माइनस वन, ये देखिएगा कि ये माइनस को जब लिया कॉमन तो ये माइनस चलेगी बाहर, तो इधर क्या बच गया माइनस वन, तो मैंने लिख लिया माइनस वन। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक टर्म कंसीडर करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी, क्योंकि माइनस है ना, माइनस से पहले भी एक टर्म होती है, माइनस से बाद में भी एक ही टर्म होती है, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, y को जब 1 से मल्टीप्लाई करना था तो आना था बेसिकली y, y को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम y ही लिखेंगे, तो इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा y। अब इस पर और इस पर गौर करें तो इधर भी x माइनस वाई, इधर भी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को लेंगे कॉमन, तो x माइनस वाई को जब लेंगे कॉमन तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे x माइनस वाई चला गया बाहर, तो यहाँ पर बच गया x प्लस वाई, और ये x माइनस वाई जब बाहर चला गया तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा माइनस, कुछ भी नहीं बचा, तो जहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ भी हम लिख देंगे माइनस वन। अगेन बच्चों ये दोबारा समझ लीजिएगा कि y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वेयर, y को जब 1 से मल्टीप्लाई करना था तो बनना था उसने y, यानी ये वाला माइनस मैंने एज इट लिख लिया और ये माइनस y एज इट। अब यहाँ पर इस पर लगा दिया फार्मूला, यहाँ से माइनस को लिया कॉमन, तो ये वाली माइनस भी बाहर तो यहाँ पर आ गया x, ये वाली माइनस बाहर आ गई तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस y। अब ये एक टर्म कंसिडर करनी है, ये सेकेंड, तो यहाँ से x माइनस y कॉमन आ गया, जब कॉमन आ गया तो इधर बच गया x प्लस वाई, आगे आ गया माइनस, ये x माइनस वाई चला गया बाहर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जहाँ पे कुछ भी ना बचे वहाँ पे हम लिखते हैं वन, तो इस तरह ये बचो सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। तो साथ ही मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड की जानिब, पार्ट नंबर इसका थर्ड है 128 ए एम स्क्वेयर माइनस 242
ए एन स्क्वेयर। ये बच्चों बीच में माइनस, माइनस से पहले एक टर्म, माइनस से बाद में दूसरी टर्म, तो बेसिकली ये दो टर्म ही लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमने देखना है कि इन दो टर्म में से कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। तो अगर हम 128 को और 242 को देखें तो ये दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक दो कॉमन लेंगे 2, और इधर भी ए आ रहा है, इधर भी ए, तो ए को भी लेंगे कॉमन। तो 2 का आप टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 12 और 2 4 8, ए को लिख लिया बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा एम का स्क्वायर माइनस 2 का टेबल 242 तक। तो बच्चों 2 1 2 2 2 4 एंड अगेन 2 1 2, ए को लिख लिया बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा एन का स्क्वायर। अब बच्चों इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर जब लें तो आते हैं 64 माइनस 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, साथ में एन स्क्वायर। अब 8 का अलग स्क्वायर है, एम का अलग, तो बजाय अलग अलग लिखने के यहाँ पे हम लिख देंगे 8m होल का स्क्वायर माइनस 11m होल का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला किस तरह अप्लाई होना है कि दो दो पे रख लें हाथ, एक दफ़ा एज इट लिख दें और एक दफ़ा लिख देंगे प्लस में, यानी ये आएगा 2a इंटू स्क्वायर पे हाथ रखा तो ये बनेगा 8m माइनस 11m, यानी हमने एक दफ़ा लिख लिया माइनस में तो एक दफ़ा आएगा प्लस में, तो आएगा 8m प्लस 11n। तो यहाँ पर बच्चों ये इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो साथ ही मूव करते हैं इसके, ये थर्ड पार्ट हुआ कंप्लीट, तो नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट और अक्सर पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट है 3x माइनस 243x³। जी बच्चों दो रकम में इसमें देखें कॉमन, यहाँ पे 3 और 243 को देखें तो ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 आ जाएगा कॉमन, और x इधर भी है, इधर भी x को भी लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 3 भी बाहर, यानी 3 को भी बाहर लिख लिया, x को भी कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी ना बचे तो लिखेंगे 1 माइनस 3 का टेबल 24 तक तो 3 8 और 3 का टेबल 3 तक तो 3 1 3, एक्स 3 है, एक को लिख लिया बाहर तो इधर आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट सेट में बच्चों हम 1 को 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। अब 9 का अलग से स्क्वायर है और x का अलग, तो बजाय अलग अलग लिखने के होल का लिख देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों फार्मूला अप्लाई हो सकता है, यानी हम यहाँ पे रख लेंगे हाथ, एक दफ़ा लिख लेंगे एज इट और एक दफ़ा लिख देंगे प्लस, यानी ये 3x एज इट, यहाँ पे 1 माइनस 9x, यानी जब 2 2 पे हाथ रखा तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 9x, एक दफ़ा आ गया माइनस में तो एक दफ़ा आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है वो फार्मूला भी साथ मेंशन कर देते हैं। फार्मूला बेसिकली यूज़ हुआ है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो इस तरह बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 रह गया उसको हम डिस्कस करेंगे।